हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अर येट अनदर मेकअप ट्यूटोरियल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है इन विंटर्स के लिए ये मेकअप लुक मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जिनकी ड्राई स्किन है और विंटर्स में जिनका मेकअप पैची हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्राई स्किन दे हैव विंटर्स में मेकअप करने से पहले स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत जरूरी है तो अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप भी अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कीजिए और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करिए जो स्किन को हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन और ल्यूमिनोसिटी प्रोवाइड करें मैंने आज मोस्टली सभी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज किए हैं विच इज परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उन सभी के बाइंग लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ यू वॉन्ट टू परेज दम टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अगर आपको जानना है कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है देन कीप ऑन ऑनिंग बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू आर नोटिफाइड आई अपलोड अ वीडियो सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो लेट्स क्विकली बिगिन विद द ट्यूटोरियल सबसे पहले मैं यूज करूंगी कलर बार सेलुलर ड्राई ऑयल और इसे अपने पूरे फेस पर डाप डाप करके लगा लूंगी और अच्छे से मसाज कर लूंगी ये एक नॉन स्टिकी ऑयल है और इसे मैं मेकअप से पहले लगाती हूँ स्पेशली इन विंटर्स क्योंकि ये मेरे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है विदाउट एनी स्टिकीनेस और ऑयलीनेस उसके बाद मैं यूज करूंगी मार्स का हाइड्रा ग्लो प्राइमर और इसे भी अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ये मेरी स्किन को हाइड्रेशन के साथ साथ एक सटल ग्लो प्रोवाइड करेगा विच इज आई एम ट्राइंग टू अचीव इन दिस मेकअप लुक और साथ ही मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा और यह बहुत ही अच्छा प्राइमर है ड्राई स्किन वालों के लिए अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी शुगर का एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक इन द शेड थर्टी फाइव फ्रापे और इसे मैं पहले अपने पूरे फेस पर डॉट कर लूंगी और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी मुझे इस मेकअप लुक के लिए बहुत ज्यादा कवरेज नहीं चाहिए इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ बट अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप एक फ्लैट टॉप ब्रश यूज कर सकते हैं दैट विल प्रोवाइड अ मच बेटर कवरेज और इस फाउंडेशन को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसकी भी फिनिश काफी ल्यूमिनस है और ये काफी ड्यूई है और विंटर्स में ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है अब मैं यूज़ करूंगी एल्फ कॉस्मेटिक्स का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर इन द शेड मीडियम सैंड एज द नेम सेज इट इज अ हाइड्रेटिंग कंसीलर और क्योंकि आज हम सारे ही हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने इस कंसीलर को चूज किया है इसकी कवरेज तो अच्छी है ही और ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता है और बिल्कुल भी पैची नहीं होता है इसलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है स्पेशली टू यूज ड्यूरिंग द विंटर टाइम अब कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी नायका का स्किन जीनियस पाउडर कॉम्पैक्ट इन द शेड वार्म हनी आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन दिस प्रोडक्ट दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट क्योंकि ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं बनाता है एंड इट सेट्स कंसीलर वेरी वेल सो इट्स परफेक्ट कॉम्पैक्ट टू सेट माई कंसीलर इन विंटर टाइम अब ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश बॉम्ब इन द शेड रोज लास्ट और इसे डायरेक्टली अपने चिक्स पे अप्लाई करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी विदेल्प ऑफ अ ब्लश ब्रश एंड यू कैन सी इट गिव सच अइस ग्लो टू द स्किन और ये बहुत ही नेचुरल लगता है देखने में एंड इट इज क्वाइट हाइड्रेटिंग एज वेल सो इट परफेक्ट टू यूज इन विंटर्स अब हाईलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी इन साइड कॉस्मेटिक्स का हाईलाइटर इन द शेड कॉस्मिक पावर इट्स अगेन वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम हाईलाइटर और इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर एंड यू कैन सी इट इंस्टेंटली गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लो ऑन द स्किन ये बिल्कुल भी स्ट्रीकी या चौकी नहीं लगता है तो इसकी भी शीन काफी अच्छी लगती है एंड इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव हाईलाइटर एंड वन ऑफ माई फेवरेट टू अब आई के लिए मैं यूज करूंगी शेगोबाप का ब्राउ शेपर इन द शेड वॉलनट और इससे अपने आई को फिल कर लूंगी द वे आई डू ये भी काफी अच्छा ब्राउ प्रोडक्ट है फॉर बिगनर्स अब बारी आती है आईज की उसके लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट इन द शेड नंबर टू सबसे पहले मैं ये एक लाइट रस्टी पीच कलर लूंगी और इसे अपनी आईज के आउटर कॉर्नर पे और अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी टू डिफाइन माय क्रीज और उसके बाद मैं ये लाइट पीच शेड लूंगी और इसे यूज करूंगी एज अ ट्रांजेशन शेड और इसे अपने क्रीज शेड के साथ ब्लेंड भी कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना दिखे उसके बाद मैं सेम रस्टी ऑरेंज शेड को अपने लोअर लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी अब मैं यूज करूंगी ये शिमरी शैम्पेनी शेड और इसे अपनी पूरी आईलेट पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी वेरी ब्यूटिफुल शिमरी शेड और इसे अपनी आईज पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करने के बाद मैं फिर से ट्रांजेक्शन शेड को लूंगी और इसे अपने इस आईलेट वाले शेड के साथ ब्लैंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श एजेस्ट ना दिखे अब मैं यूज करूंगी पैक की लॉन्ग लास्टिंग गोल्ड पेंसिल अंडर शेड स्किन और इसे अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूंगी इससे मेरी आईज और भी ज्यादा ओपन अप लगेंगी और फिर मैं अपने ट्रांजेक्शन शेड को अपनी लोअर लैस लाइन पे अपलाई करूंगी विद्प ऑफ अ पेंसिल ब्रश और अब मैं उसी सेम शिमरी शेड को अपनी ब्राउ बोन पे और अपनी आइज के एना कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी टू हाईलाइट माई आईज और अब अपने आई को कर्ल करके मैं यूज करूंगी शुगर पॉप का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा और इससे अपने अपर और लोअर लैशेज को अच्छे से कोट कर लूंगी एंड आई विल अप्लाई टू कोर्स ऑफ द मस्कारा इट हैज अगेन बिकम वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा स्पेशली बिकॉज ऑफ द वॉन्ड इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज अब बारी आती है लिप्स की उसके लिए मैं यूज करूँगी के बी का मैट एक्शन लिप लाइनर इन द शेड हाई इम्पैक्ट इससे अपने लिप्स को आउटलाइन करने के बाद मैं यूज़ करूंगी लैक्मे की फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड न्यू ड्रीम इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मॉवी न्यूड शेड इससे मैं अपने लिप्स को फिल कर लूँगी और उसके बाद मैं यूज़ करूंगी मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर उसे अपने पूरे फेस पे स्प्रिट्स करने के बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैप कर लूँगी जिससे मेरा मेकअप सीमलेसली ब्लेंडेड भी लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा और यहाँ फिनिश होता है हमारा ये मेकअप एंड दिस इज़ द फाइनल लुक So that's how I created this glowy and dewy makeup look. I hope you like today's video and if you recreate this look then do tag me on my Instagram. My Instagram handle is mentioned on the screen. With that said, I'll see you next time with some other video. Till then, bye-bye.